प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 घंटे के बिहार दौरे पर जाएंगे। वहां वो पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री मोकामा में गंगा नदी पर बनने वाले 6 लेन पुल का शिलान्यास करेंगे। नमामि गंगे योजना के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे। इन योजनाओं पर करीब 3,769 करोड़ रुपए की लागत आएगी। लेकिन इन कार्यक्रमों से अलग पीएम के बिहार दौरे पर राजनीति शुरू हो गई है। बिहार की सत्ता में भागीदारी मिलने के बाद दूसरी बार बिहार पहुंच रहे पीएम मोदी की अगुवाई के लिए एक ओर पूरी सरकार तैयारी में लगी है तो दूसरी ओर सियासत भी खूब हो रही है और इस सियासत की वजह है पटना यूनिवर्सिटी। दरअसल पटना यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर हो रहे कार्यक्रम के लिए इसके कई पुराने छात्रों को न्योता दिया गया है, लेकिन यही निमंत्रण विवाद की वजह बन गया। पहले खबरें आई कि पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष है और पूर्व सीएम लालू यादव को निमंत्रण नहीं भेजा गया है। साथ ही साथ पटना साहिब के बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को भी पीएम के कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया है, लेकिन यूनिवर्सिटी के कुलपति ने इन दोनों नेताओं को निमंत्रण न भेजने की बात खारिज कर दी। क्यों नहीं, जो यहाँ हमारे छात्र थे सबको हम निमंत्रण दे रहे हैं, क्यों नहीं जाए? अरे शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्यों ऐसा प्रश्न पूछते हैं? निमंत्रण मिलने और न मिलने के विवाद पर बीजेपी नेता और केंद्र सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह तो लालू यादव पर तंज कसने से भी नहीं चूके। लालू प्रसाद यादव को लेकर के आरजेडी का कहना है कि लालू प्रसाद यादव को निमंत्रण इसलिए दिया गया है कि फिर से दरी पर बैठाने की तैयारी हो रही है। तो प्रकाश परब में बड़ा खुश थे नीचे दरी पर बैठकर के, प्रधानमंत्री से काहे दुखित होगा। हालांकि आरजेडी प्रवक्ता पटना यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को संघ का एजेंडा बता रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय का शताब्दी वर्ष नहीं मनाया जा रहा है, ये शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है संघ के इशारे पे। चंद चुनिंदा लोगों को बुलाइए और ये खाना पूरी कर लीजिए कि 2017 में 100 साल पूरे हो रहे हैं पटना विश्वविद्यालय के। शताब्दी वर्ष बनाने में अगर आपको ये दिलचस्पी थी तो आपको तमाम एलुमनाई जो भी जीवित हैं, मैं खुद उस विश्वविद्यालय का हूँ, मैं तो ये मानता हूँ कि एक फिल्म रिलीज होने जा रही है प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में। दरअसल इससे पहले प्रकाश पर्व के दौरान जब पीएम मोदी पटना पहुंचे थे तो पीएम मोदी और नीतीश कुमार मंच पर बैठे थे, लेकिन लालू यादव को मंच पर जगह नहीं मिली थी जिससे लालू यादव नाराज हो गए थे। इसके बाद से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि लालू यादव को निमंत्रण मिलता भी है तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे। हालांकि पीएम के बिहार दौरे से बीजेपी बेहद खुश है। अब तक जब भी पीएम मोदी बिहार आए तो पार्टी विपक्ष में थी, जबकि एक बार सत्ता मिलने के बाद पीएम बिहार आए भी थे तो बाढ़ के हालात का जायजा लेकर वापस चले गए थे। इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि पीएम के दौरे से बिहार को कई सौगातें मिलेंगी। बिल्कुल, बिहार की धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करेंगे और बिहार में आ रहे हम सबको काफी प्रसन्नता जाकर के है और आ ही नहीं रहे कई सौगातों को देने आ रहे हैं जाकर के, जिससे बिहार का विकास को रफ्तार मिलेगा। अनेक योजनाओं का उन्होंने शुभारम्भ शिलान्यास किया जाएगा और उसमें मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में बिहार के विकास को रफ्तार मिलेगा। पीएम भी बिहार के लिए कई योजनाएं लेकर जा रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी मोकामा जाएंगे। यहां 3,769 करोड़ रुपए की लागत से कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे, जिसमें मोकामा में गंगा पर 6 लेन का पुल, औंटा सिमरिया व बख्तियारपुर मोकामा सड़क का 4 लेन में चौड़ीकरण, महेश खुंड सहरसा पूर्णिया और बिहार शरीफ बरबीघा मोकामा 2 लेन सड़क का कार्यक्रम शामिल है। इसके अलावा पटना शहर के 4 सीवरेज प्लांट का भी शिलान्यास करेंगे जिनकी लागत 738 करोड़ है। मोकामा में पीएम मोदी एक सभा को भी संबोधित करेंगे। पिछले 6 महीने में बिहार की राजनीति बेहद तेजी से बदली है। बीजेपी विपक्ष से सत्ता में आ गई है जबकि लालू की पार्टी विपक्ष में है। ऐसे में पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार बिहार के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने की तैयारी में है जिससे चुनावी राह आसान हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।